दिखाती हूँ तो हम लोगों का मांग को पूरा हो जाता है, क्योंकि हम लोग 90 दिन से बैठे, हम इस प्रशासन से पूछना चाहते कि सर आप लोगों को दया माया नहीं लगता है कि ये झारखंड के युवा जो देश के भविष्य है 90 दिन से बैठे हुए हैं, घर छोड़ के भूखे हैं, प्यासे हैं, इन लोगों को ये सब दिखाई नहीं दे रहे, बस ये लोग हम लोगों को रोकना चाहते हैं। हम लोग आज नहीं रुकेंगे, अगर ये लोग नहीं बुलाती है किसी को वार्ता करने के लिए तो हम लोग आज लाठी खाएंगे। सोच के रहे, माथा फाड़े ना, माथा भी फाड़ दीजिए, आज जो करना है कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं रुकेंगे सर। 90 दिनों से आंदोलनरत राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने आज मुख्यमंत्री से वार्ता, वेतनमान, समायोजन, स्थायीकरण सहित अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड सचिवालय का घेराव करने पहुंचे, जहां इन स्वयं सेवकों को धुरवा गोल चक्कर के पास प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ डीएडीएच कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। बता दें कि 2016 में प्रत्येक पंचायत में 4-4 स्वयं सेवकों की आरक्षण रोस्टर का पालन कर अस्थाई बहाली की गई थी। इन्हें मानदेय के रूप में अलग अलग कार्यों के लिए राशि निर्धारित की गई थी, पर 2019 के बाद जब नई सरकार ने सत्ता संभाली तो इनके मानदेय पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद पंचायत स्वयं सेवकों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। हालांकि कई बार मांगों को लेकर इनकी सरकार से वार्ता भी हुई, पर इनकी परेशानी काम नहीं हुई। हम लोगों का 5 मांग है, लेकिन पहला हम बताना चाहेंगे इस न्यूज के माध्यम से कि हम लोग बीते 8 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का 90 दिन हो गया, 90 दिन हम लोग राजभवन के समीप घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम लोग यहाँ दिन रात डटे हुए हैं। पर ये झारखंड की सरकार माननीय हेमंत सोरेन अंधी भी हो गई और बहरी भी हो गई है। इनको झारखंड की जनता का दुख समझ में नहीं आता है इनको कि हमारी माताएं, हमारी बहनें रोड पे आके 90 दिन से बैठी हुई है। ये झारखंड सरकार चुनाव से पहले से बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को नौकरी देंगे हर साल 5 लाख। ये 5 लाख क्या देगी? जो भी कार्यरत है इनको भी समायोजन नहीं कर रहा है। अभी हम लोग 90 दिन से लगातार हम लोग बीच बीच में प्रोग्राम कर रहे हैं और हम लोग जितने भी विधायक है, मंत्री है, सचिव, सत्ता पक्ष को या विपक्ष पक्ष को, सभी का हम लोगों ने अपनी मांगों से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक हम लोगों के प्रति ये लोग सिर्फ आश्वासन दिए हैं। हम लोग को क्या नियुक्ति वस्तु मना रहे हैं, हम लोगों को देखिए रोजगार दिए हैं, अगर हम लोग को रोजगार देते ना तो आज लोग रोड पर नजर नहीं आते। इतने तो संख्या में हम लोग दिख रहे हैं रोड पे, तो कारण है ना, वो बस झूठा दिखा रही है कि हम नियुक्ति दे रहे, वो कोई नियुक्ति नहीं दे रहा है। नियुक्ति देता ना तो आज पारा टीचर रोड पे नहीं बैठे रहते, पंचायत सचिव रोड पे नहीं बैठे हुए रहते। ये सिर्फ दिखावा कर रही कि हम इतना काम करें, काम कुछ नहीं कर रही है, ये निकम्मी सरकार हो गई है ये। मेरा नाम बीबा रानी है। हम लोगों का नौकरी का तैयारी करते हुए नहीं, हम लोग अपने पद पे कार्यरत है और बकायदा हम लोग सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाने का कार्य कर रहे हैं। एक एक अंतिम व्यक्ति को हम लोग आवास का लाभ पहुंचाते हैं, जहां पे अच्छे अच्छे पदाधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे हमारे स्वयं सेवक भाई बहन पहुंच करके और वहां पे लाभ पहुंचाते हैं। सरकार के काम को हम लोग नियमित तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की मांगों पर ना ही विचार कर रही है, ना ही विमर्श कर रही है और ना ही आश्वासन में ही अभी तक हम लोगों को रखी है। और हम लोग भिक्षाटन भी किए, हर तरह से अपने मांगों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के हम लोग नियम से ही सारी चीजों को कर रहे हैं, किसी तरह का उनके कार्यों पे हम लोग दखल नहीं कर रहे हैं, उनकी हर एक बातों को मान रहे हैं, फिर भी हम लोगों के किसी कार्य का ना ही हम लोगों को उचित मानदेय मिल रहा है। मेरा नाम क्रिस्टीना कुमारी हुआ, मैं बरवाड़ी प्रखंड से आई हूँ। देख, हम लोग का सिंपल मांग है, सबसे पहला मांग तो मुख्यमंत्री से वार्ता करने का है। तो 90 दिनों से जो हम लोग को एक किलोमीटर के दायरे में उनके जो आवास है उनके समक्ष हम लोग 90 दिन से बैठे हुए हैं और वो सुन नहीं रहे हैं। सोच सकते हैं हम लोग चंद्रमा पहुंचने के लिए 30 दिन का समय लग गया और माननीय मुख्यमंत्री पलामू जा रहे, गढ़वा जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं अभी, यार अथी हवाई जहाज से जा रहे हैं। हम लोग पैदल वो चलेंगे तो मात्र 10 मिनट का समय लगेगा उनके आवास से हम लोग का जो धरना पर स्थल चल रहा है वहाँ पर पहुँचने के लिए, और 90 दिन का समय बिता गए उसे बावजूद नहीं मिल रहे हैं। अभी हम लोग धरना आज यहाँ पर जो सचिवालय घेराव करने आए हैं, आज पलामू चल गए, कोई रोज बहाना ना बहाना करके
ईडी उसे छोड़ नहीं रही है तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। अरे उन्होंने चुनाव से पहले अपना वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, पांच सूत्री हमारी जो सरकार बनेगी और छः महीने के अंदर आपको हम लोग डायरेक्ट अस्थायी करेंगे। छः महीने के हो गए, यहाँ चार साल बीत गए लेकिन सरकार सुन नहीं रही, उसे मिलने के लिए हमको सोचना पड़ रहा है यार। बोलता है झारखंडी है। अरे हमारे 18,000 सभी साथी झारखंडी है, प्योर झारखंडी है जिसे बोलते हैं। वो 1932 के बात करते हैं, हम लोग 1800 के बात करेंगे। 1800 के सभी संसेवक हैं, सब गांव घर का। वो बोलते हैं कैटेगरिया के हिसाब से सभी कैटेगरिया फुल फिल करते हैं हम लोग। वो बार बार बोलते हैं आरएसएस। हमारे साथी जो 18,000 हैं उसमें से 3,000 प्लस सिर्फ मुस्लिम भाई लोग हैं। बार बार करते हैं आरएसएस। अरे आरएसएस हो गया राष्ट्र स्वयंसेवक और पीएसएस हो गया पंचायत सचिव स्वयंसेवक। आरएसएस का योगदान अलग है और पंचायत सचिव का योगदान अपने पंचायतों में है। अभी बरसात का दिन है, आप देख रहे होंगे कंटिन्यू एक सप्ताह से पानी बरस रहा है। हजार मतलब संख्या में आप बात कीजिएगा ना, हमारे झारखंड में लोगों का जो खपड़ा का मकान होगा वो गिर गया होगा, वहाँ पर कोई पहुँचने नहीं वाला होगा। जिस समय हम लोग धरना में नहीं थे, सबसे पहले कौन पहुँचेगा? तो हमारे पीएसएस साथी पहुँचेगा और उसका मुआवजा देने के लिए कहाँ पर आवेदन देगा? तो हमारे साथी वहाँ से बुलाएगा। कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचने वाला है और पीएसएस साथी हमारा उस स्थान पर पहुँचेगा और उसे मुआवजा के लिए आगे रहेगा। ये काम हम लोग करते हैं। अभी वो बार बार बोलते हैं कि हमारे सरकार आपके द्वार चला दिया। अरे सरकार आपके द्वार चला गया तो उसको सफल करने में किसका साथ था? हमारे पीएसएस साथी का साथ है। वो बोलते हैं सब बूढ़ा बूढ़ी को जितने दिव्यांग साथी है सबको हमने पेंशन दे दिया। अरे उसको लाने में कौन साथ दिया? कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि नहीं। हर घर से हर पंचायत से घरों से उनको साथी निकालने का काम हमारे पीएसएस साथी किया। तब जाके उसका फॉर्म हमारे साथी ही नहीं भरा तब जाके उसको पेंशन मिल रहा है। अरे 144 लगे कि 300 कौन धारा लगा? कोई भी धारा लगा दे हम लोग मानने नहीं वाले हैं। जब सोच सकते हैं कि एक सप्ताह का कंटिन्यू पानी बरस रहा है, जो घर में आदमी नहीं रहना चाहिए, हम लोग खुला मैदान में आज 12 घंटे लगे, 36 घंटे लगे, 48 घंटे लगे इस मैदान पर, जहाँ पर होते होगा रुकने वाले ना, जितना ब्रैकेटिंग लगाना है लगा ले, तोड़ के हम लोग जाएंगे वो होटवार जेल जाना है। जो जेल जाने के लिए हम लोग को अगर बनाया गया ना, सब जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है। कितना उसका कितना चारा है, कितना दाना है ना, होटल का भी उसका जेल में जितना दाना है ना, सब खाने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन आज छोड़ने वाले नहीं। जब तक असफल वार्ता नहीं होगा, जब हम सफल वार्ता के साथ जब तक कैबिनेट में पास करने होगा, हम लोग उठने वाले नहीं है। 54 विधायक का हम लोग पर लिखित है। 54 विधायक हमारे उन्होंने लेटर पैड में खुद लिख के दिए हैं कि आपकी मांग जायज है। खुद उनके पद के विधायक ने पंचायत विधानसभा में आवाज उठाए कि आपकी मांग जायज है। अभी पिछला विधानसभा सत्र चला था, उस समय भी लोबिन हेब्रम हो गया, हमारे अमर प्रसाद जी हो गए, हम उनको दीपिका पांडे जी हो गए, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद इलाज के साथ विधानसभा में रखा। उसके बाद सरकार बोलती है कि आप आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस एजेंट है। मानने वाले ने जहां जाना पड़े, जिस स्थिति में जाना पड़े, आज सब बैकेटिंग टूटेगा और जब तक कल कैबिनेट में पास नहीं होगा, हमारे साथी कोई हिलने वाले नहीं है। प्रभात भूषण।